पूरे देश में जाएंगे। हम गुजरात को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ। हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। ये दिल्ली तो गिर रही। पैदल आने का मतलब है कि गांव से लोग पैदल भी चलेंगे, वे भी चलेंगे, दिल्ली को घेरेंगे। यही तो कहा, ये गिर तो रही, और लोग भी आएंगे इसमें, पैदल भी आएंगे। अब जत्थे आएंगे, पूरे देश में जाएंगे। हम गुजरात को आजाद करवाना है, गुजरात आजाद नहीं हुआ। गुजरात में जाएंगे, जाएंगे कर रहे, तारीख रख रहे। पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं, यहाँ कोई राजनीति वोट ना तलाश करे इस आंदोलन। ये कानून वापसी ले लो, जब भी घर वापसी होगी कमेटी, हमारा बॉर्डर भी जो सिंगू बॉर्डर है वही रहेगा, हमारा मंच भी वही रहेगा और हमारे पंच भी वही रहेंगे। गलत फहमी में कोई ना रहे, हम पंचायती सिस्टम को मानने वाले हैं। हम फैसलों के बीच में ना पंच बदलते ना मंच बदलते। हमारा ऑफिस भी सिंगू रहेगा, हमारे लोग भी वही रहेंगे। जो सरकार की लाइन थी बातचीत करने की, उसी लाइन से सरकार बात कर ले। आज कर ले, 10 दिन में कर ले, 2 महीने में कर ले, अगले साल कर ले। हमारी तो एक कहावत है गांव की, ये गढ़ और तिगरी के मेले में अगर कोई बालक कोई लड़ गया तो अगले साल वो वही मिलता है। बहुत लोग कहते हैं जी 2 अक्टूबर की दे दी। अरे दे दी भाई, सर्दी आ जाएगी। हमने तो बुजुर्गों की कहावत को ढूंढा कि सर्दी में सरकार लली तो अगले साल सर्दी में ही मिलेगी। और हमने थोड़ा कुछ कह दिया, हमने तो जो हमारे बुजुर्गों ने, जो पंचायतों ने बताए, जो चौ साहब ने बताया, भूप सिंह जी ने बताया, चौ साहब ने, जो दलाल खाप ने बताया, सारी खापू ने बताया, हमने तो वही बताए। और इसकी दिल्ली की एक कील काट के जानी पड़ेगी, बगैर कील काटे दिल्ली से यहां से जाना नहीं।